चल नहीं पा रहे। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु का दर्शन बिन जियो जावे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु का दर्शन बिन जियो जावे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु का दर्शन बिन जियो जावे ओ राम। पूरी आयो या सुनी रे लागे कब रघुवर घर आवे ओ राम। पूरी आयो या सुनी लागे कब रघुवर घर आवे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु रा नहीं भावे जल नहीं भावे नींदड़ ली नहीं आवे राम। नहीं भावे जल नहीं भावे नींदड़ ली नहीं आवे ओ राम। हिचकी रे ऊपर हिचकी आवे और ने बात सुहावे ओ राम। हिचकी आवे पुरन बात सुआवे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु का दर्शन बिन जियो जावे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु रा मार्गों पर उपाड़े चल रहे और चलते चलते जब पैरों में जंगल के कांटे गड़ते हैं कंकरीली जमीन पर पत्थर गड़ते हैं तो भरत का कलेजा रोता है। हारे मेरे विधाता
इस मार्ग पर, इस कंकरीले मार्ग पर मेरा राम चला होगा। भरत को वो कांटे पैरों में नहीं कलेजे में लगे। मेरा राम इस मार्ग पर चला और वो भी मेरे कारण। भरत को राज गद्दी मिले इसलिए राम को वनवास मिला। और राम इस मार्ग पर चला होगा, भरत पछाड़ खा खा करके गिर रहे हैं। इतने में उन्हें याद आया कि मैं राम से मिलने के लिए तो जा रहा हूं, लेकिन राम मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि राम देखेंगे कि इसी मां के कारण तो, इसकी मां के कारण तो मुझे वनवास हुआ है। याद करे जब माता री करनी, पग पाछा पड़ जावे, पगों में ताकत घट जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। भरत गिर पड़ता है, गुह निषाद संग में था वो फिर उठाता है। भरत ने कहा मैं राम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, राम मुझे स्वीकार करे कि ना करे, मेरी मां ने राम के लिए वनवास मांगा। गुह निषाद ने कहा तुम डरो मत, राम कृपालु है, राम समा के सागर है, राम दया के सागर है, चलो। फिर भरत के मन में आया कि उस राम ने तो बड़े बड़े पापियों को तार दिया, मेरा तो कोई पाप नहीं था, मेरी मां ने कुछ कहा था, मेरे लिए तो उठना भी राम था, बैठना भी राम था, सोना भी राम था, जगना भी राम था, मेरे लिए तो राम ही प्राण था, ये तो राम को पता ही है, और मेरे कलेजे में तो राम के लिए भक्ति है। लेकिन नैनों में आंसू लिए वे भरत चल रहे और मन से कह रहे हैं भक्ति रे बल धरे रे पावडो तीरज मन मई आवे राम, भक्ति रे बल धरे रे पावडो तीरज मन मई आवे ओ राम, देख देख कर प्रेम भरत रो देव पुष्प बरसावे चित्रकूट का मार्ग पुष्पों से सुसज्जित हो गया है, और वो भी यहाँ के पुष्प नहीं, चित्रकूट के पुष्प नहीं, स्वर्ग के देवता जो हैं वो भरत की भक्ति दे करके, भरत और राम भाई भाई का प्रेम दे करके और स्वर्ग के पुष्प बरसा रहे हैं। ऐसा प्रेम भाई भाई का है। आज चित्रकूट का पत्ता पत्ता नाच रहा है कि हम धन्य हो गए ऐसे एक भ्रातृ भक्त भरत का दर्शन करके, हमारा जीवन धन्य हो गया। जिनके पैरों से लहू बह रहा है, जिनका कलेजा रो रहा है, जिनकी आंखों से एक पल के लिए भी आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, वो भरत अपने मार्ग पर चल रहा है। राम मुझे मिलेंगे, राम स्वीकार करेंगे, भले ही उस राम को लेकर के मेरी मां ने कितना भी कह दिया होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा राम मुझे अपनाएगा। चल पड़े बड़े, और जब ऐसे उस भरत को देखा, लक्ष्मण के मन में तो फिर भी कुछ आ गया था। लक्ष्मण ने कहा सेना लेकर के आ रहा है भरत, पता नहीं गड़बड़ भी हो जाए, लेकिन राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता। जब राम जी ने उस भरत को देखा, छोटे भाई को देखा, सामने पछाड़ खा रहा गिर रहा है, और एक बड़ा भाई जो होता है ना, सच में छोटे भाई की दशा देख नहीं सकता है। राम अपने आप को भी नहीं रोक सके, भरत नजदीक आ रहा है तो राम देख रहे हैं, सारा अवध का समाज साथ में है, लेकिन जैसी स्थिति भरत की है वैसी किसी की नहीं है। मेरा राम यहां क्या खा रहा होगा, मेरा राम यहां कितने जंगली जानवर है, यहां इन कांटों में मेरा राम चला है। भरत फिर पड़ता है, गुह निषाद उठाते हैं। जब राम ने वहां बैठे बैठे देखा तो राम के कलेजे में भी भरत के लिए प्रेम उमड़ पड़ा, और जब राम के कलेजे में भरत के लिए प्रेम उमड़ा, उमड़ पड़ो जद भाव प्रभु को दौड़ दौड़ कर जावे राम, उमड़ पड़े जज भाव प्रभु का दौड़ दौड़ कर जावे ओ राम। दोनों का भाव उमड़ा,
राम इधर से दौड़ रहे हैं और भरत के कलेजे में भी प्रेम उमड़ा तो भरत भी दौड़ रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते जब भरत ने देखा कि मेरा राम आ गया है और राम ने देखा भरत आ गया, दोनों गले से मिल गए। और दोनों जब गले से मिले तो महाराज उस गले मिलने में कुछ अनोखी घटना हुई। राम जी ने जब भरत का शरीर देखा तो इतने दिन पैदल चल करके आया है और मेरे लिए आया है, पूरा शरीर कृष्ण हो गया है। जब भरत राम जी के चरणों के सामने देखे तो भरत ने कहा मेरा जन्म क्यों हुआ? अरे मेरे जन्म के कारण राम को ये इतने कोमल जो जो चरण है वो चरण यहां पत्थरों में टिके हैं, यहां कांटों में रहे हैं, मेरा जीवन यहां क्यों हुआ? भरत के नैनों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि उनके जो है उनके आंसुओं से ही राम जी के चरण धो दिए भरत ने, और राम जी के आंखों से इतने आंसू बहे कि भरत का पूरा शरीर भिगो दिया। भरत ने कहा राम दंडवत प्रणाम किया है, भाई को प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करके कहा भैया एक विनती करो, ये सारा अवध का समाज चाहता है कि आप अयोध्या के राजा बने। राम ने हाथ जोड़ दिए, भैया तुम चाहते हो सारा अवध चाहता है, लेकिन जो पितु आज्ञा वन को जाना वह कानन सो अवध समाना। मेरे लिए ये वन जो है वो सो अयोध्या जैसा ही है, पिता की आज्ञा है, इसलिए मैं यहां यहां रहूंगा। भरत ने कहा